आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर साइट से आप कुछ कॉपी करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और वो जो वेबसाइट है वो आपको टेक्स्ट कॉपी नहीं करने दे रहा है, तो हम ये कैसे कॉपी करें। जैसे कि सीए क्लब हो गया .com या फिर अपना लॉयर्स क्लब इंडिया हो गया, उससे हम कुछ कॉपी करते हैं तो कॉपी नहीं होता है। प्रिंट फ्रेंडली करके एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम ये करने वाले हैं आज काम। तो हम मैं आज आपको ये भी बताता हूँ कि हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं उस वेबसाइट का। अभी मैंने लैपटॉप पे एक आर्टिकल खोल के रखा है, ये जो है लॉयर्स क्लब इंडिया .com का है। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ जो लिखा है, लेकिन ये वेबसाइट में जब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करने देता है। और मैंने इसको जो है PDF करके कन्वर्ट करके भी ट्राई किया गूगल क्रोम से, और उस PDF को वर्ड में भी कन्वर्ट किया, उससे भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाजू में एक टैब खोलते हैं और वहाँ पे हम प्रिंट फ्रेंडली टाइप करेंगे और उसको हम सर्च करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो चीज़ कॉपी करना है उस वेबसाइट का आपको जो URL होता है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और वो जो वेबसाइट था हमारा उसका मैं URL कॉपी करता हूँ आर्टिकल का, ठीक है। उसके बाद इस तरह पे आता हूँ मैं और उसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। आपका जो PDF का प्रीव्यू होता है वो आपको फिर ये ओपन हो जाता है। प्रिंट फ्रेंडली की एक ख़ास बात ये है कि आप उस PDF में जो जो चार्ज निकालना चाहते हैं वो चीज़ें आप वो रिमूव कर सकते हैं सेलेक्टेड करके। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरा PDF आ गया है, अभी ये इसमें इमेज आया है, एडवर्टाइजिंग आया है, कुछ भी मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे एक आइकॉन दिखता है डिलीट का, उस पर मुझे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अभी देखिए आप डिलीट डिलीट दिख रहा है, तो आपको जो लाइन नहीं चाहिए उस पर आप डिलीट का ओके कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा वो चीज़ें। तो यही खास बात है इसकी, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको PDF पे क्लिक करना है जब आपका एडिट हो जाए, और आपका जो PDF है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैंने अभी PDF डाउनलोड कर लिया है, अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जो कॉपी पेस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है अभी भी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो रहा है और उसको मैं आसानी से कॉपी भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है और वर्ड में पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और ये आसानी से बहुत ही पेस्ट हो जाता है। तो आई होप ये आपको पहले से नहीं पता था और मैंने कुछ आपको नया सिखाया है।